पर सांसद झुल्लू महतो की पत्नी लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूँ स्टील गेट में जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। मैं आपको झांकियों के बारे में दिखाऊंगी किस प्रकार से यहाँ पर रथ यात्रा की शुरुआत है। यहाँ पर सांसद धनबाद सांसद झुल्लू महतो के धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कितने भव्य रूप से इस रथ को सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आज ये रथ यात्रा कहीं ना कहीं आप भगवान पूरी जगन्नाथ पूरी में जिस प्रकार से रथ यात्रा निकाली जाती है उसी प्रकार धनबाद में उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद है जो आपके इस साइड रैलिंग की तरफ आपको दिख जाएंगे कि भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ जब दर्शन कर रहे हैं तो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और जब जब जयकारा लगाया जा रहा है हरे कृष्णा हरे राम के जब जब धुन उन्हें सुनाई दे रहे हैं वो साथ साथ वो स्वर मिला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत हो रही है, पूजा की तैयारियां चल रही है। कुछ देर में यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी और धनबाद के स्वाई ढेला से होते हुए यमुनापुर से लेकर आगे की तरफ गोल्फ ग्राउंड जाएगी। गोल्फ ग्राउंड में यहाँ वहाँ पर इनके सारे कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई गई है। हम आपको अभी भगवान जगन्नाथ भैया बालभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन करा रहे हैं। आप हमारे माध्यम से आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर देखिए जो राधा कृष्ण है उनकी भी यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, उनकी भी यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। और इधर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ रथ यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जो रथ यात्रा खींचने के जो रस्सी है उसको सजाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से लोग उन्हें लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है पूरा रथ यात्रा। आप देख सकते हैं कि भव्य बनाया गया है, ऊंची पूरे लाल रंग से सजाया गया और सारी जो गोपियां यहाँ पर जो गोपी सजी हुई है वो यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही सुंदर परिधान में सब यहाँ मौजूद है, सब यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे रथ यात्रा को सजाया गया है। अभिमान से नहीं खींच रहा है, प्रेम से धीरे धीरे श्रद्धा से सारे धीरे खींच रहा है। कीर्तन जी से अनुरोध है कि कीर्तन और सुंदर आरम्भ करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो गई है, सब रथ यात्रा को खींचने के लिए अभी मौजूद भी है और यहाँ पर सांसद झुल्लू महतो की धर्मपत्नी यहाँ पर झाड़ू लगाकर रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगी। उनकी पुत्री भी यहाँ मौजूद है सांसद की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग से उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी और यहाँ स्टील गेट दुर्गा मंडप से रथ यात्रा शुरू होकर गोल्फ ग्राउंड जाएगी जहाँ पर कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ पर लोग मौजूद होंगे। भगवान जगन्नाथ को आप वहाँ पर देख सकते हैं। 5 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर इस अभी थोड़ी देर में रथ यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जन यहाँ पर पूजा करने के लिए यहाँ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ मौजूद है। हम आपको आगे की तरफ दिखाएंगे रथ यात्रा में क्या क्या अभी कार्यक्रम चल रहा है वो हम सारे
यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सांसद झुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए रथ यात्रा की जो पारंपरिक शुरुआत है वो हो चुकी है। और यहाँ से अब रथ यात्रा निकलेगी आगे की ओर। यहाँ पर गोपियाँ भी तैयार है रथ यात्रा को पहुँचने के लिए। सभी भक्तजन जो हर साल इंतजार करते हैं इस पावन अवसर का कि वो रथ खींचते हुए लेकर जाएंगे भगवान जगन्नाथ को, अपने शहर का दर्शन कराएंगे। आज वे एकमात्र ऐसे भगवान है जो अपने गर्भगृह से निकलकर वो भगवान पूरे भक्तजन को अपना दर्शन देने आते हैं। यहाँ गोपियों की लाइन लगी हुई है, गोपी एक इंतजार कर रही है कि सभी यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगी और यहाँ पर नृत्य करते हुए भगवान को यहाँ से लेकर जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक भव्यता के साथ यह कार्यक्रम आज शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झंडी लेकर, अब झंडी दिखाई जाएगी, इसके बाद यहाँ से शुरुआत होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो नगर भ्रमण के लिए आज निकलेगी गोल ग्राउंड तक। पूरे जितने भी लोग हैं वो उत्साहित है। रास्ते रास्ते में व्यवस्था बनाई गई है, प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। रास्ते में खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भक्तजन आए, कब रथ यात्रा आए और वहां पर जाकर ये कर सके। हम आपको सांसद जाएंगे एक सेकंड। यहां से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं हरी झंडी के साथ यहां से रथ यात्रा निकलेगी और भव्यता के साथ और हरे कृष्ण हरे राम के स्वर के साथ यहाँ भक्तजन रस खींचते हुए रथ यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप भक्तों के चेहरे से देख सकते हैं, हम भक्तों से भी जुड़ेंगे, भक्तों की भी उल्लास को जानेंगे। यहाँ पर गोपियाँ नृत्य करते हुए जा रही हैं। आप देखिए कैमरा के माध्यम से अपने भगवान को वो लेकर जा रही है पूरे शहर के दर्शन के लिए। तो हम आगे की ओर आपको दिखाते चलेंगे और यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, रथ यात्रा कैसे चल रही है शहर की ओर वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जयकारे के साथ शुरू हो चुका है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। यहाँ पर सभी भक्तगण खींचते हुए, रथ को खींचते हुए आगे जा रहे हमारे माध्यम से। आप लगातार भगवान जगन्नाथ भैया बालभद्र और माँ बहन सुभद्रा का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप जितने भी भक्तजन हैं खींचते हुए लेकर जा रहे हैं इस अवसर का। प्रति वर्ष हर धनबाद वासी, हर कोलांचल वासी बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है और आज वो दिन है जब भगवान को गर्भगृह से निकाल कर सीधा आज शहर का दर्शन कराया जाता है। शहरवासी वो भाग, वो सौभाग्य मिलता है कि आज भगवान के दर्शन खुद वो अपने घर के बाहर से कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेकर जाया जा रहा है आगे की ओर। रहेगा
आज यहाँ पर रथ यात्रा निकली, कूर्लांचल वासी काफी बेसब्री से आज इंतजार कर, आप झाड़ू भी कर रहे हैं, बताइए क्या भाव है? मैं तो बात करूँ, ये भाव दर्शाता है कि पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है जगन्नाथ के सामने नतमस्तक है, और हम झाड़ू लगा के अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं कि आपके सामने हम नतमस्तक हैं। यहाँ पर बाकी लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन, और आज भगवान के दर्शन, खुद भगवान लोगों को दर्शन देने निकले गर्भगृह से, क्या भाव है, क्या ये जो भगवान जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु है। ये जो लोग अगर कभी मंदिर नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, अपनी असमर्थता अगर व्यक्त करते हैं, कोई अगर बुजुर्ग है, अपाहिज है, तो उनके लिए जगन्नाथ जी साल में एक बार खुद पूरा नगर में भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों का दर्शन देते हैं। ये भगवान की दयालुता और कृपालुता की बहुत बड़ी उदाहरण है। और जगन्नाथ जी की आंखों को हम लोग देखते हैं, वो एकदम गोल है। गोल का मतलब कि पूरी दुनिया पे अपनी नजर रखते हैं और सब पे अपनी कृपा है, सब में परसाते रहते हैं। जय जगन्नाथ। ये रस्सी खींचना कहा जाता है अपने में एक सौभाग्य होता है, और आज कूर्लांचल वासियों को ये मौका मिला, क्या कहना चाहिए? ये रस्सी खींचना हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। ये बहुत वर्षों के तप के बाद ये हमें ये पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होता है जी। बहुत वर्षों के बाद ये खींचना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप गोपी गोपी की तरह सजी हुई हैं और इतने सुंदर परिधान में है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? वे जगन्नाथ हमारे महाप्रभु हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है इनका दर्शन करके, लगता है क्या सज धज के हम लोग क्या आएंगे। गोपी लोग तो इतना अच्छा से आती थी, हमें तो दर्शन करके निहाल हो जाते हैं, कम मन करता है कितना दर्शन करते रहे, देखते रहे एक तक, फिर भी दर्शन खत्म नहीं होता है, मन को तृप्ति नहीं मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष में मैं आपको बता दूं कि इस रथ यात्रा इतनी खास ये भी है क्योंकि यहाँ पर झारखंड की संस्कृति भी दिखाई जाएगी, बताइए क्या कहना चाहते? अरे आप बताइए कि आज यहाँ पर रथ यात्रा खींच रही है, एक सौभाग्य की बात होती है, इसमें खींचना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये खींचने के बाद आपको क्या महसूस होता है? बहुत आनंद आया है खींचने के बाद, इसके बाद खींचने से होगा कि मृत्यु जीवन का कोई वो नहीं होगा। हमको बहुत खुशी मिला, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। आपकी छोटी उम्र है पर आप यहाँ पर रथ खींचने आए, ऊपर से आपने तिलक भी लगाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं खींचते हुए, हमको बहुत अच्छे लग रहा है, कष्ट जीवन में चलना चाहिए, और भगवान का रथ खींचे सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है। यही तो खासियत होती है हमारी भारतीय संस्कृति की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बड़े से लेकर छोटे तक इसमें सम्मिलित होते हैं, मागे की ओर आपको लेके जा रहे हैं और भगवान के दर्शन जरूर कराएंगे, और यहाँ पर भक्त जोर से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर हर लोग जहाँ से गुजरे वहाँ से जय जगन्नाथ के गुण गा रहे हैं। यहाँ पर भाजपा कार्य समिति राजनी सिंह भी मौजूद है, बताइए आज यहाँ पर आप आए पब्लिक में क्या कहना? चरणों में आते हैं हर बार, उनका आशीर्वाद प्राप्त ले रहे हैं, उनके चरणों में आते हैं आशीर्वाद लेने, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु का अपार कृपा है, और कूर्लांचल वासी पर उनका हमेशा हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद पूरे कूर्लांचल पे रहे, सभी लोग खुशहाल रहे, हंसते खेलते रहे, उनका हम लोग यही प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बाकी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, भक्त जन से जुड़ते हैं, यहाँ पर आप दर्शन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पहले इस्कॉन के जो मैनेजर है उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे यहाँ पे कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है, कार्यक्रम किस प्रकार से जाएगा, ये रथ यात्रा कहाँ से होकर निकलेगी, और किस प्रकार से ये कार्यक्रम को भव्य बनाया गया है उसको लेकर भी जुड़ेंगे। हम जाएंगे उनके पास, पहले हम जुड़ जाते हैं लोग। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का भोग लग रहा है, जो सांसद द्वारा दिया गया है वो भोग यहाँ पर लग रहा है, उनकी धर्मपत्नी यहाँ लेकर आई थी और यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर साज सज्जा की आप और देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी आज बताइए, कार्यक्रम को इतनी भव्यता से आज यहाँ पर नगर भ्रमण के लिए निकले, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप देख सकते हैं इतने वृहद स्तर पर आज रविवार का दिन है, जगन्नाथ जी ऐसे समय पर आए हैं जब सारे धनबाद वासी आज फ्री हैं,
कोई काम धाम नहीं, किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दुकानें सब कुछ बंद है। तो ऐसे समय में सारे श्रद्धालु भक्तों को आज आराम नहीं, राम की इच्छा होनी चाहिए, जगन्नाथ की इच्छा होनी चाहिए, काम धाम छोड़कर आज आ जाए और जगन्नाथ का रथ खींचते हुए उत्साह के साथ कीर्तन करते हुए बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्साह, हम आपसे भी जुड़ेंगे। आप अभी अभी दर्शन कर पूजा कराए हैं, कोलांचल के लिए सौभाग्य है, जगन्नाथपुरी जो नहीं जा पाते, क्या कहना चाहेंगे इन भक्तों को जो खींच रहे हैं? देखिए आज अपने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, अपने कोलांचल वासियों को सुख समृद्धि के लिए उनसे कि बाबा की कृपा हमेशा हमारे कोलांचल वासियों पे, हमारे धनबाद वासियों पे बनी रहे, ताकि उनका आशीष से हर एक भक्त की जो भी दुख दुविधा है वह प्रभु के रथ को अपने हाथों से खींचने का मौका जो साल में एक बार मिलता है आज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ जय जगन्नाथ। है वो भी जुड़ी हुई, मैम बताइए कितने उत्साह के साथ आज यहाँ पर जुड़ी हैं और आप वहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहती हैं भक्तों को? आज प्रभु जगन्नाथ पूरे 15 दिन के बाद अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज इस मौके पर हम सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि प्रभु की आज इस रस्सी को खींचे। भीड़ मत लगाइए, आगे लंबी रस्सी है, सबको रस्सी पकड़ने का सौभाग्य दिया है। धीरे धीरे प्रेम से, गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, घमंड से नहीं, अभिमान से नहीं, ये प्रेम की रस्सी है, इसे प्रेम से खींचिए। बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धीरे 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 प्रेम से जयकारा लेते हुए बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुन लो प्रेम से धीरे 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 रथ को खींचिए, धीरे धीरे जय जगन्नाथ। सुन लो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का दर्शन लेते हुए और जगन्नाथ का जयकारा लेते हुए सभी लोग जय जगन्नाथ बोलते हुए बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सभी लोग बोलिए जय जगन्नाथ।